सत्ता और सुम्बुल टोकेट खान में हुई धमासान लड़ाई, क्या है ये लड़ाई, चलिए आप लोगों को बताते हैं। पूरी अपडेट जानने के बाद आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस लड़ाई में कौन आपको सही लगता है, कौन गलत लगता है, क्या टीना ने सही मुद्दा उठाया है सुम्बुल के सामने या सुम्बुल के सामने उन्होंने बेकार मुद्दा उठाया है और सुम्बुल को वो टारगेट कर रही है। पूरी अपडेट जानने के बाद अपने विचार जरूर बताइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जहां पर कैप्टन तीन लोग हैं, हालांकि कैप्टनसी टास्क जब होगा हम जानकारी आप तक अपने वीडियोस के जरिए पहुंचा देंगे, कौन बना है अगला कैप्टन उसके बारे में भी जानकारी पहुंचा देंगे। इसी बीच में जो है जैसे कि टीना दत्ता ने एक बात सुन ली थी जहां पर सुम्बुल, एमसी स्टैन, अब्दू, साजिश, शिव को सब ये कहती हुई नजर आई कि भाई चॉकलेट मैंने वहां पर रखी, अगर है तो तुम लोग उठा लो। तो ये बात जो है पहले ही टीना दत्ता सुन चुकी है और टीना दत्ता ने पहले ही एपिसोड में काफी ज्यादा झिंडोरा जो है पीट दिया था और उसके बाद जो है इन्हीं सब चीजों को लेकर वो किचन एरिया के पास काफी ज्यादा बहस करती हुई सुम्बुल के साथ नजर आ रही है, जहां पर वो ये बात बोल रही है कि खुद कैप्टन होके जो है ऐसी चीजें कर रही है। जहां पर सुम्बुल ने भी बोल दिया कि जब से मैं कैप्टन बनी हूं मेरे पास सिर्फ दो चॉकलेट के पैकेट आए हैं, पर टीना दत्ता ये मानने के लिए तैयार नहीं है और टीना दत्ता काफी सारी बातें बोलती है जहां पर सुम्बुल भी जो है अपना स्टैंड लेती है और टीना दत्ता को वापस जवाब देती है, पर टीना दत्ता ये बोलती हुई नजर आ रही है कि भाई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की तुझे जरूरत नहीं है, तू यहां पर एग्जिस्ट किसी के लिए भी नहीं करती है, इससे अच्छा काला मास्क पहन ले और वगैरह वगैरह बातें। अभी आप लोग बताइए कि एक चॉकलेट के लिए लड़ाई कर रही है टीना दत्ता, तो ये मुद्दा जानबूझ के टीना दत्ता सुम्बुल के सामने उठा रही है या आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई कैप्टनसी में जो है सुम्बुल ने सही नहीं किया है और उन्होंने चॉकलेट तो अपने जो दोस्त है उनमें बांटी है और टीना दत्ता ने सही मुद्दा उठाया है, क्या है विचार बताइए जरूर, जो कि आप लोग कल के एपिसोड में देखने वाले हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।